प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव में 7 वर्ष की मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि बच्चे की मां और दादी दोनों ही सुबह खेत में चारा काटने गए थे। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला युवक घर में घुस आया और अकेले सो रही मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं जब परिजन चारा लेकर घर लौटे तो बच्ची ने बेसुध अवस्था में आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले में विधिक कार्यवाही प्रचलित है। एक 10 साल की लड़की के साथ उन्हीं का परिवार का एक 22 साल के लड़का शमसुद्दीन ने बलात्कार किया। उस घटना का जानकारी मिलते ही मैं IG घटनास्थल पर पहुंचा हूं और मेरे साथ SP साहब भी आए थे, SP साहब भी आए थे और ये अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्काल कर दिया गया और थाने पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई किया गया। बांदा से जनमत न्यूज के लिए दुर्गेश कश्यप की रिपोर्ट।